17 दिसंबर 1903 वो पहला ऐसा दिन था जब इंसानों ने पहली बार किसी मोटर इंजन को हवा में उड़ाया था। राइट ब्रदर्स की ये 59 सेकंड की उड़ान आने वाले समय में पूरी दुनिया में क्रांति लाने वाली थी। आज उस उड़ान के बाद करीब 118 सालों में हमने न सिर्फ धरती के आसमान को छुआ है बल्कि इंसान अपने ग्रह धरती के बाहर चंद्रमा पर भी जाने में सफल हो गया है और आने वाले समय में हम मंगल ग्रह पर भी इंसानों को भेजने वाले हैं। 18 फरवरी 2021 को जब परसिवेरेंस रोवर मार्स पर लैंड किया तब इस रोवर के साथ इंजेनिटी हेलीकॉप्टर को भी भेजा गया था। इंजेनिटी हेलीकॉप्टर हाल ही में 19 अप्रैल 2021 को पहली बार मार्स पर सक्सेसफुली पावर्ड फ्लाइट करने में सफल रही है। इंजेनिटी ने इस 40 सेकंड की उड़ान में मार्स को 3 मीटर की ऊंचाई से एक्सप्लोर किया है। इसी के साथ नासा इंजेनिटी के इस सक्सेस को देखकर फ्यूचर में भी ऐसे एडवांस मिशन मार्स पर भेज सकती है जिससे हम मार्स प्लैनेट को और तेजी से एक्सप्लोर कर पाएंगे। इंजेनिटी ने मार्स के जिस जगह से उड़ान भरी थी उस जगह का नाम राइट ब्रदर्स फील्ड रखा गया ताकि आने वाली जनरेशन इंसानों के 118 साल पहले हुए ऐतिहासिक खोज को याद रखे। तो आज के इस एपिसोड में हम और आप मिलकर नासा के इस मार्स हेलीकॉप्टर के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। नासा का इंजेनिटी हेलीकॉप्टर स्पेस की फील्ड में एक फ्यूचरिस्टिक डेमोंस्ट्रेशन है जो आगे चलकर हमारे लिए स्पेस की फील्ड में एक पाथ चेंजर साबित हो सकती है। इंजेनिटी हेलीकॉप्टर परसिवेरेंस रोवर के नीचे के पार्ट में कनेक्टेड था और इस हेलीकॉप्टर का हाइट करीब 0.5 मीटर ही है और इसके रोटर्स भी 1.2 मीटर ही हैं। परसिवेरेंस रोवर में पावर सोर्स के रूप में RTG यानी रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज किया गया है पर जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का वजन काफी ज्यादा होता है इसलिए इंजेनिटी में पावर सोर्स के रूप में सोलर पैनल्स का यूज किया गया है। इसमें लगी सोलर पैनल्स हेलीकॉप्टर में 3 वाट पावर जनरेट कर रही है और इसके बैटरीज में हीटर्स का भी यूज किया गया है जिससे मार्स में रात की ठंडक में भी बैटरी एक्टिव रहने वाली है। वहीं इस हेलीकॉप्टर के रोटर्स धरती के हेलीकॉप्टर से काफी अलग है। इंजेनिटी के रोटर्स कॉक्सियल रोटर्स है। कॉक्सियल रोटर्स यानी इसमें 2 रोटर्स ऊपर नीचे सेम एक्सिस में ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। कॉक्सियल रोटर्स के यूज से हेलीकॉप्टर मार्स के पतले एटमोस्फेयर में भी आराम से उड़ सकती है। तो आपका नासा के इस अचीवमेंट पर क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप इसी तरह के एस्ट्रोनॉमिकल वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।